जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस, आप लोगों ने कल के वीडियो में देखा कि घुसरनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद हम कहाँ के लिए निकल लिए। तो गाइस, अगर पूरा वीडियो डाल देते तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हम कल नहीं डाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा पाठ का आज हमको डालना चाहिए, लेकिन गाइस कल ही पहुँचा सकते हैं। जो भी वट वृक्ष की पूजा किए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं लालगंज, और अब पहुँचने वाले बस रानी के यहाँ, क्योंकि थोड़ी टाइम बचा है। तो चलिए पहुँच गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ हम टाइम से ही पहुँच गए थे और पूजा पाठ शुरू है, सब लोग बैठी हुई हैं, सब अपने गांव घर के ही लोग हैं, सब रानी की देवरानी जिठानी, और बॉम्बे में भी इनकी काफ़ी फैमिली रहती है। तो यहाँ पर गाइस हमारे हाथ में फ़ोन नहीं है, आप तो जानते ही हैं कि परी बिटिया जैसे ही हम पहुँचते हैं, लखनऊ में हो या गांव में हो, तो तुरंत परी के हाथ में ही फ़ोन आ जाता है। तो जो भी वीडियो शूट की हैं वो परी ही की हैं। तो यहाँ पर पूरी फैमिली से मिली और थोड़ा सा आप लोग भी आरती पूजा भी सुनिए कि यहाँ पूजा पाठ सब हो रहा है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पूजा पाठ सब हो गई है, और ये बाहर का व्यू दिखा रहे हैं कि काफ़ी मतलब रिश्तेदार इनके पास के लोग सब आ गए हैं। और अभी हमारे भैया लोग बांदा से नहीं आए थे, और ये मकान देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कोठी है, बीच में कोठी है जो इनके ससुर जी ने बनवाया था रानी के, उनको अपने गाँव से बहुत ही लगाव था। और ये सामने मकान के जस्ट सामने मंदिर है, तो आप लोग देख सकते हैं जब इस मकान का गृह प्रवेश हुआ था तब हम गए थे, तो उस समय रानी के ससुर जी थे, तो हमको पूरा घुमा घुमा के दिखाए थे कि चलो बिटिया देखो कितनी अच्छी कोठी हमने यहाँ पे बनवाया है, और माता जी का ही मंदिर है। तो जो भी परी बिटिया के हाथ में फ़ोन था, हमको तो कुछ भी नहीं पता कि इन्होंने वीडियो क्या कैसे शूट किया है। जब देखें तो कुछ वीडियो ये फ़ोन में पड़ी थी, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सब लोग बैठे हुए हैं, सब बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया था, जैसे कि वो दरोगा थे उसी तरह उनकी मतलब हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी से हुई। काफ़ी लोग कहते हैं कि तिरही में ऐसे नहीं खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन गाय जैसा नहीं है, बहुत अच्छे से उनका पूजा पाठ और खिलाना पिलाना जितना आप अच्छे से करेंगे उतना ही जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। तो यहाँ पर सब अपने और ख़ास इनके अपने ही हैं, जो भी बॉम्बे से हैं, गांव से हैं, लखनऊ से हैं, सब ख़ास ख़ास लोग हैं। और देखिए गांव में कोई करोना रोना का डर नहीं है, सब कितने अच्छे से हो गया। तो अगर ये लखनऊ से यहाँ से करती ना, तो इतने अच्छे से ना हो पाता। और आप लोग देख सकते हैं वैसे भी माता रानी की कृपा है कि वो करोना से ही गए हैं इनके ससुर जी, लेकिन सभी ने छुआ भी और सब बहुत अच्छे से। तो कहीं ना कहीं गाइस होता है जब ईश्वर की कृपा होती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ईश्वर पर विश्वास हम रखते हैं तो भगवान साक्षात सबकी रक्षा करते हैं। और ये कोठी आप देख सकते हैं, हमको तो इतना रोना आ रहा था कि सब लोग यहाँ मंदिर बैठे हुए हैं, और ये गाय 5:30-6 बजे का टाइम है, सब लोग खाना खा के यहाँ पर बैठी हैं, और रानी और रानी की जिठानी सालनी तो काम धाम में ऐसे लगी हुई। रानी को आप देख सकते हैं जब से हम आए हैं दोपहर से देख रहे हैं, एक मिनट के लिए भी नहीं बैठी हैं। तो वैसे भी दोनों देवरानी जिठानी ना काम काज में इतना आगे हैं, और हम परी के हाथ में ही फ़ोन है। तो रानी की देखिए साड़ी उठी थी और परी ने ऐसे वीडियो भी बना लिया, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं जाने दो। तो हम तो पहले सोचे कि इसको डिलीट मार देते हैं, लेकिन हमने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। और यहाँ पर हम बैठे हैं, मामी लोग भी सब बैठी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब बस हम लोगों के निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी चलो। और यहाँ पर अब हमारे जो भैया लोग बांदा से आए थे, मयंक द्विवेदी और सभी लोग आए थे, हमारे भतीज लोग, और ये रानी की बुआ जी है जो आ रही थी, ये हमारे मयंक जो हमारे भतीजे हैं वही है सामने खड़े हुए हैं। और 3-4 गाड़ियाँ आई थी बांदा से, तो सब लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पर देवरानी
नानी जेठानी सबको बांध करके दे रही हैं, जो रसगुल्ला है, बूंदी है। और परी अपने गार्डन का भी ले आई हैं, जहाँ पर ये बैट बल्ला भी खेलती हैं। तो कह रही मौसी, यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। और देखिए लखनऊ में तो सब बंद बंद घरों में रह करके, और यहाँ इतना मतलब खुश हैं। और रानी भी हमसे कह रही थी कि दी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइज होता है, अपने शहर से तो अपना गाँव बहुत ही अच्छा होता है, कम से कम खुली हवा, खुला वातावरण, और बच्चों के लिए सब कितना अच्छा है। तो गाइज ये गाँव और रानी के पापा जी की कोठी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वाकई गाइज ये वीडियो मैंने इसीलिए डाल दिया है कि आप लोग भी देख लीजिए कि रानी का हमारे मकान और छोटा सा गाँव, छोटा सा ही गाँव है, 5-6 घर का पुरवा है। लेकिन अब मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं इस गाँव के विषय में, हो सकता है और बड़ा हो, लेकिन मुझे थोड़ी ही मकान वहाँ पर नज़र आए हैं। और अब यहाँ से हम निकल लिए हैं, तो यहाँ हम पूरा दिखा रहे हैं, ये रानी के खेत खरिहान हैं, जहाँ पर इनके मतलब गेहूँ चना ये सब होता है, जो जो भी होता हो। और ये कॉलेज है सामने, और यहाँ से गाइज बताया ना 20 किलोमीटर है जहाँ प्रतापगढ़। तो हम इनसे कह रहे थे कि हमको प्रतापगढ़ भी घुमा दीजिए, तो ये हमको नहीं घुमाने ले गए, फिर कह रहे हैं फिर कभी आएंगे तब घुमाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी में बैठ गए हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और इतनी गर्मी थी, कितनी हल्की साड़ी पहन करके गए हैं तब भी मतलब इतनी उमस वाली गर्मी थी। लाइट वाइट की तो व्यवस्था वहाँ पर थी ही, लेकिन गाइस कभी होता है इतने बंद बंद घरों में रह करके, और जब कभी काफ़ी दिन बाद निकलो ना, तो बहुत घुटन सी होती है। और आज गाड़ी में ना बच्चे भी नहीं हैं, और आप इनका तो हाल जानते ही हैं कि इनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, एकदम से शांत बैठे हुए हैं। तो हम सोच रहे थे थोड़ी सी आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं। और आज ना गाइस बताए ना, शाम की हमको चाय नहीं मिली है ना, तो हमारे सर में इतना दर्द हो रहा है, और हम इनसे कह रहे हैं कि हमको कहीं चाय पिला दीजिए। तो कह रहे हैं बाहर की चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं कोरोना हो जाएगा। तो चलिए वैसे अब लखनऊ पहुँचने ही वाले हैं, देखिए वही 8:30 का टाइम है, तो चलिए पहुँचते हैं, तब आप लोगों से मिलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हम आ गए हैं अपने घर, और यहाँ आने के बाद जो भी प्रसाद घुसन नाथ का लाए थे सबको दे रहे हैं, और बच्चों के लिए रक्षा भी ले आए हुए थे। आप देख सकते हैं वाकई ही, आप लोग भी कभी घुसन नाथ मंदिर जाइएगा ना, तो वहाँ की रक्षा ज़रूर लाइएगा। तो हमेशा हम देखते थे रानी की फैमिली में कि सब लोग हाथ में बांधे रहते थे, तो हमको बहुत ही अच्छे लगते थे, और कभी इनका कलर नहीं जाता है। तो हम वहाँ से ले भी आए, और मीना से कह रहे हैं कि सब लोग चलो बांधो, लेकिन वो कह रहे हैं कल ही बांधेंगे। और यहाँ पे सबको दे देते हैं प्रसाद, और खाना जो रानी ने सब पैक कर दिया है सबके लिए, तो यहाँ वैसे भी सब लोग खाना खा लिए थे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब वहाँ का प्रसाद का है वो सब दी है तो रख देंगे, कल सब कुछ लोग सब कल खा लेंगे। और अब चलते हैं, अब आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह। ये है गाइस सुबह का टाइम, तो यहाँ पर पूजा पाठ की हमने पूरी तैयारी कर लिया है, विष्णु भगवान की आज कथा भी कहना है, और अमावस्या का दिन है, तो इतनी बाहर तूफान आंधी और भगवान समझ में नहीं आ रहा कि आज अमावस्या वाले दिन क्या करने वाले हैं। तो ये तो अमावस्या का पूजा पाठ का ब्लॉग आप लोगों को कल ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर विष्णु भगवान के कर लीजिए दर्शन, और बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज हमारे पौधों में कितनी अच्छी अच्छी फूल निकले हुए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी बागवानी कैसी लगी आप लोगों को, और ये भी बताइएगा कि रानी की मतलब कोठी अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली का मकान गांव का, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और गाइज यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।